डियर सर, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों में 2 साल से रिलेशन है। हम शादी करना चाहते हैं, पर आजकल हमारे बीच बातें कम हो गई हैं। वो रात रात भर ऑनलाइन होती है, पर मुझसे बात नहीं करती। बहुत बार उसका फ़ोन बिजी आता है। मुझे मेरे प्यार पर कोई शक नहीं है, पर उसने अपने प्यार में कमी क्यों कर दी? और पहले जैसा प्यार वापस पाने का कोई तरीका हो तो मुझे बताएं। देखो, अक्सर लड़कियों के साथ एक अलग चीज़ होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तो लड़कियों का मूड हर वक्त चेंज होते रहता है, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा घूमता रहता है। दुनिया भर की औरतें इस बात से परेशान होती है कि ना चाहते हुए भी उनका दिमाग उनके खिलाफ सोचता है। लड़की अपने रिश्तों को लेकर बहुत कन्फ्यूज होती है, इसलिए हर नए प्रपोजल के बारे में सोचती रहती है। जैसा कि तुमने बताया, तुम्हारे रिलेशन को 2 साल हो गए। 2 साल इतना लेट क्यों? देखो, तुम जितना लेट करोगे, लड़की को उतना सोचने का मौका मिल जाएगा, तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जानने का मौका मिल जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, लड़कियां जिसके बारे में सब कुछ जान लेती है वो उसे छोड़ देती है। ज़्यादातर मामले में लव रिलेशन बोरिंग लगने लगता है, वही बातें वही सब कुछ रिपीट रिपीट होते रहता है। या तो तुम शादी कर लो या फिर लड़की को एंटरटेन करो, अपने रिलेशनशिप में एडवेंचर और एक्साइटमेंट भरो। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। हमेशा वो अमाउंट ऑफ अटेंशन चेंज करते रहो, बढ़ाते रहो, घटाते रहो। एक बार तो लड़की पर बेहद ज़्यादा ध्यान दो, फिर अचानक से पूरे दिन बिजी हो जाओ, उसकी तरफ एक बार भी ध्यान मत दो। कभी 2 दिन उसके साथ बातें बातें की, फिर तीसरे दिन अपना काम करो। देखो, एक बार तो लड़की को बहुत अटेंशन दो, फिर अटेंशन कम कर दो। अचानक उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगो, फिर अचानक उसकी तरफ ध्यान देना कम कर दो। तुम सारा दिन लड़की के दिमाग में छाए रहोगे, लड़की सोचेगी ये बंदा करता क्या है। अगर आप गौर करें तो मैंने अपने लेटेस्ट वीडियो में इसके बारे में बताया है। उसका नाम मैंने कुछ अलग दिया था, खैर थीम भी कुछ अलग था, लेकिन वो काफ़ी रिप्रेजेंट करता है। देखो, लड़की एक इमोशनल क्रिएचर होती है। अगर आप उनकी इमोशनल के साथ खेल सकते हो तो आप अपना आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। लड़कियाँ चाहती है उनकी ज़िंदगी भी टीवी सीरियल की तरह कभी खुशी कभी गम, कभी ऊपर कभी नीचे, इन सब चीज़ों से भरी हो। जब उन्हें घबराने, बुरा सोचने, ड्रामेबाजी, पागलपन जैसी चीज़ें आपसे मिले तो वो आपकी तरफ आकर्षित होगी। लड़कियों को टीवी सीरियल्स क्यों पसंद होते हैं? क्योंकि वो कभी सीरियल देखते देखते रोमांटिक फील करती है, कभी घबरा जाती है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी अच्छा कभी बुरा, बैक टू बैक, कभी घर से निकाल दिया, कभी गुंडे उठा ले गए, कभी मिलना कभी बिछड़ना। लड़कियों को चाहिए होता है कि एकदम से सब कुछ हो जाए, धड़ाधड़ फीलिंग चेंज, मूड चेंज। और अगर तुम एक टीवी सीरियल जैसे हो जो कभी खुश हो जाता है, कभी एकदम से प्यार करने लग पड़ता है, कभी एकदम से इग्नोर मारने लगता है, कभी कसमें खाता है कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, फिर गायब हो जाता है। अब मेरी गर्लफ्रेंड क्या बोलती है? 5 मिनट पहले सुबह तो मेरी कसमें खा रहा था, तेरे बिना जी नहीं सकता, तब से फोन रखा और अभी तक मेरी याद भी नहीं आई। खैर, उस बात को संभालना आना चाहिए। तुम ये मत सोचो कि इससे लड़की नाराज हो जाएगी, उसने ऐसा कह दिया तो अब रिलेशन खत्म हो जाएगा। उल्टा इसके कंटिन्यूसली अपना अटेंशन चेंज करते रहो, अमाउंट ऑफ अटेंशन बढ़ाते रहो, घटाते रहो। अचानक रोमांटिक हो जाओ, गहरी भावनात्मक बातें करो, कस्में खाओ, कभी उसे रूडली बात नहीं करोगे, ना ही किसी लड़की के बारे में सोचोगे। आपसे ऐसा प्यार पाते ही लड़की के दिमाग में दूसरी डिमांड क्या होती है कि अगर ये मुझसे रूठ जाए तो, अगर ये मुझ पर चिल्लाए तो, अगर ये किसी लड़की के पीछे भागे तो, फिर तो मैं फुट फुट कर रहूंगी। देखो, जनरली होता क्या है, तुम गर्लफ्रेंड की गोद में पड़े रहते हो, ना तुम उसे हंसाते हो ना तुम उसे रुलाते हो, वो जो कहे ठीक है, वो जो करे सही है। ऐसा करोगे तो वो तुमसे बोर हो जाएगी और ज्यादा मसालेदार लड़का ढूंढना शुरू कर देगी, या फिर वो आपसे बेवजह लड़कर अपना नशा पूरा करेगी। लड़की को एंटरटेनमेंट चाहिए, तुम अपनी तरफ से उसे एंटरटेन नहीं करते हो तो वो खुद करेगी। रात के 2 बजे तुम्हें कॉल करेगी और बोलेगी मैंने आपकी नींद खराब की ना, मैं बहुत बुरी हूँ ना, ऐसी ऐसी बातें करेगी कि तुम उस पर गुस्सा होकर उस पर चिल्लाओ। झगड़े तो होंगे ही यार, तुम उससे नहीं लड़ोगे तो वो तुमसे लड़ पड़ेगी। समझदार इंसान इस बात को भी अपने हाथ में रखता है कि झगड़े कब करना है। मजा तो तब आता है जब लड़की की गलती ना हो और तुम उससे लड़ पड़ो। तुम ऐसा मत सोचो अब झगड़ा हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंसान के पास कोई चीज अगर आती है तो उसके साथ उसको खो देने का डर भी आ जाता है। वो डर भी तुम बीच बीच में लड़की को दिखाते रहोगे तो लड़की तुमसे जिंदगी भर चिपकी रहेगी
और तुम्हारा अगला सवाल होगा कि ऐसे लड़की से पीछा कैसे छुड़ाए।